श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा का आज भूमि पूजन हुआ। ये रामलीला 7 अक्टूबर से शुरू होगी और पूरी तरह डिजिटल होगी। सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा कोविड के नियमों का भी उसमें पालन किया जाएगा। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी जो 7 अक्टूबर से यहाँ ग्रेटर नोएडा में रामलीला करने जा रही है, आज इसका ग्रेटर नोएडा में भूमि पूजन हो रहा है। बात करेंगे इस कमेटी से जुड़े लोगों से, क्या कार्यक्रम है, क्योंकि यह रामलीला बिल्कुल अलग होगी। इसमें हर आदमी पास से एंट्री करेगा और जिसके टीका लगा होगा वो इसमें प्रवेश करेगा। इसके अलावा कोरोना के सारे नियमों का पालन होगा और इसके सभी के अलावा सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण किया जाएगा। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रामलीला करने का पूरी तैयारियों के साथ तैयार बैठा है और हमें आशा है शीघ्र ही प्रशासन से हमें अनुमति प्राप्त हो जाएगी। इस बार की विशेषता ये है कि कोरोना के कारण जो मापदंड सरकार ने बनाए हैं उसके अनुसार ही प्रवेश पत्र द्वारा ही सीमित लोगों की एंट्री होगी और डिजिटल रामलीला के माध्यम से इसी मंच से लाखों लोगों को अपने घर में ही बैठकर इस रामलीला का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये रामलीला अपने आप में अनूठी रामलीला होगी और जिस प्रकार से दुनिया में रामलीलाओं का मंचन होता है उसी की श्रेणी में हम लोग खड़े हैं श्री धार्मिक रामलीला कमेटी, और आशा करते हैं कि हमें अनुमति शीघ्र प्राप्त होगी और हमारा कार्यक्रम आज भूमि पूजन है बड़ी विधि विधान से माननीय पंडित जी द्वारा अभी हवन हो रहा है और उसके बाद हमारा यहाँ का कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। स्टेज चल रहा है, ये रोड़ी पड़ी है, बजरपुर पड़ा है, ये कार्य हो रहा है, मरम्मत हो रहा है, सफाई हो रही है। ये कार्य जो है तीव्र गति से ये संकेत दे रहे हैं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र रामलीला का प्रसारण 7 तारीख से 15 अक्टूबर तक यहाँ दशहरा उत्सव के साथ समापन करेंगे। मतलब बताया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया गया है इस रामलीला का। निमंत्रण दिया गया है कि आप जानते ही हैं कि योगी जी रामलीलाओं के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, राम के प्रति आस्था रखते हैं और ये जितना बड़ा मैदान आप देख रहे हैं रामलीला मैदान, ये योगी जी की देन है। जिस स्टेज पे हम बैठे हैं ये भी योगी जी द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें पूरी आशा है वो रहेंगे। बाकी 22 तारीख को आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि 22 को डिजिटल का उनसे स्विच ऑन करा के उनसे उद्घाटन करा लेंगे। अगर किसी वजह से मंचन में ना आ सके तो डिजिटल का प्रसारण तो वो अवश्य 22 को हम करवा लेंगे दादरी में। आनंद जी, क्या खास विशेषताएं रहेंगी, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, बड़ी सावधानी बरत रहे हैं लोग, तो आपकी यहाँ जो रामलीला हो रही है इसमें क्या सावधानियाँ बरती जाएंगी? अभी जो प्रशासन की जो चल रही है तो 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो 200 कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी और बाकी 200 ही प्रतिदिन पास दिए जाएंगे लोगों को जो आएंगे, प्रतिदिन 200 पास की व्यवस्था कर रखी है हमने। बाकी अभी कलाकार राजस्थान से आएंगे, हर साल आते हैं और पिछले साल रामलीला नहीं हो पाई, उससे पहले भी हर साल होती रही रामलीला, तो पुतले भी रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का पुतला भी इस बार 70 फुट का जो है इस बार बनाने की योजना है। आगे जैसे भी प्रशासन परमिशन देगा उस हिसाब से कार्य होगा। इसकी विशेषता ये है कि स्वामी जी के जो निर्देशन में रामलीला होती है ये पूरे भारतवर्ष में इसका कोई जोड़ नहीं है। गुरु जी की रामलीला करते करते 55 साल बीत गए हैं, ये इनकी जो बारीकियां हैं रामलीला में, जो इनका मंचन होता है, जो मल्टी स्टेज रामलीला होती है, ऐसी रामलीला देश में कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। हमको कई बार रामलीला मंचन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ गुरु जी की वजह से प्राप्त हुआ है। गुरु जी का अनुभव है, गुरु जी का ज्ञान है और गुरु जी के ही निर्देशन में सारा कार्य होता है। जो हमारी धार्मिक रामलीला कमेटी है गुरु जी के निर्देशन में ही रामलीला करने के लिए इस बार भी प्रतिबद्ध है। हमें अनुमति मिलेगी तो हम मंचन कराएंगे कलाकारों से, नहीं मिलेगी तो अभी अध्यक्ष जी ने बताया है फिर हम डिजिटल कराएंगे। अब की बार जो रामलीला का मंचन होगा कोविड काल को देखते हुए किया जा रहा है, तो सरकार से अगर परमिशन मिलेगी तो मंचन होगा, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर डिजिटल के रूप में जैसे पिछले वर्ष हमने किया है
पिछले वर्ष लगभग 50 लाख लोगों ने डिजिटल के माध्यम से श्री धार्मिक रामलीला को देखा है और अब की बार हमारा विशेष आग्रह अपने सुशील गोस्वामी जी महाराज जो उसके संरक्षक हैं कि अब की बार आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री 22 तारीख में आ रहे हैं, अगर हमें सुशील जी महाराज जी के नेतृत्व में इस डिजिटल रामलीला का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा या तो हमें लखनऊ जाना पड़े या हमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में रात्रि विश्राम होगा तो वहीं से उनका स्विच दबा के वो उसका लोकार्पण करें, ऐसी हमारी अपनी रामलीला कमेटी की तरफ से उम्मीद है। गुरु जी, क्या खास विशेषता होगी इस रामलीला में? पिछले दो वर्षों से हमारी रामलीला कोविड की वजह से नहीं हो पाई है और अब की बार पब्लिक में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। या तो कलाकारों के द्वारा प्रशासन अगर हमको परमिशन देता है तो रामलीला होगी या फिर डिजिटल रामलीला होगी। और यह रामलीला का भव्य प्रोग्राम माननीय श्री गुरुजी महाराज सुशील जी महाराज जी के द्वारा होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमको यह परमिशन अवश्य देगा। ममता जी, बताया जा रहा है डिजिटल प्रसारण होगा इस रामलीला का, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन और मीडिया के साथ मिलकर के ही हम सारा काम करते हैं और अच्छी तरह से रामलीला का प्रोग्राम हम करेंगे, जैसे में प्रशासन की अनुमति होगी उसी हिसाब से। मास्क वितरण का भी हम आयोजन रखेंगे और डिजिटल पास का भी। लेकिन इस रामलीला की एक खासियत है कि जब से रामलीला हमारे यहाँ शुरू हुई है उसमें महिला विंग को जोड़ रखा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। महिलाओं को इस रामलीला में सम्मान दिया गया है और इसके हम धन्यवाद अपनी कमेटी का करते हैं। बहुत बधाई।